दोस्तों आज बात करते हैं सुदामा ने क्यों पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी। क्या सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ छल किया था? आइए इसके पीछे की असली कहानी जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों जानते हैं कैसे सुदामा ने भगवान कृष्ण के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। बहुत से लोग सुदामा को कपटी मानते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे, जिससे उनका पूरा जीवन दुख और गरीबी में बीता। आइए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। श्री कृष्ण के गुरुकुल के पास में एक मंदिर था जिसमें एक भिखारन रहते थे। एक बार उसके पूरे दिन भीख मांगने में उसे बस मुट्ठी भर चने मिले, जिसे रुपए की पोटली समझ के चोरों ने चुरा लिया। भिखारन को जब चने की पोटली नहीं मिली तो उसने श्राप दे दिया, जो भी इन चनों को खाएगा उसकी जिंदगी दुख और गरीबी में बीतेगी। जब ये चने की पोटली गुरु मां को मिली तब ये उन्होंने श्री कृष्ण को देते हुए कहा, जब भूख लगे तो दोनों खा लेना। सुदामा साफ दिल के ब्राह्मण थे तो उनको इसके पीछे की कहानी पता लग गई। ये सोचकर कि उनके मित्र सदैव के लिए गरीब ना हो जाए उन्होंने सारे चने खुद ही खा लिए। ये थी असली कहानी, पर कुछ लोग सुदामा को बदनाम करने के लिए दिखाते हैं कि सुदामा ने जानबूझ के भगवान कृष्ण को चने नहीं दिए थे। दोस्तों तो सुदामा जैसा जिसने अपने मित्र के जीवन भर के कष्ट अपने सर पर ले लिए और अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिता दी। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखो हरे कृष्णा।